Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Second year biology, chapter number 16, sport and movement. Ke andar aaj hum arrangement of the skeletal muscles for movement ke baare mein baat karenge. Yani hum dekhna chahenge ki jo patthe hain ya jo asam hai hamari body ke, wo harkat ke liye kis tarah arrange hote hain. Theek hai? Iski ek example aapko samne bhi nazar aa rahi hai. Like ye hamara arm hai, bazu. Usme ye yani ek इसे क्या कहते थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, बाइसेप्स. ठीक है, ये बाइसेप्स है और दिस वन इज ट्राइसेप्स मसल्स. ठीक है, नहीं, हम बाइसेप्स और ट्राइसेप की एग्जांपल आपको सामने है. सो वैसे मसल्स के अगर हम पार्ट्स करें तो तीन होते हैं मसल. सबसे पहला पार्ट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब बाइसेप्स, जहाँ पे जो मसल है वो अटैच होगा विथ फिक्स बोन. यानी मसल अटैच्ड विथ फिक्स्ड बोन्स. ठीक है, कि नहीं, इमोबल बोन्स भी कह सकते हैं, कि नहीं, वो बोन्स जो कि इमोबल है. सही. फिर उसके बाद बैली आता है, जहां पे डायमीटर ऑफ मसल जो वो ऑलमोस्ट ज्यादा होता है. ठीक है, लाइक दिस वन इज बैली. सेकंड पार्ट की बात करें हम, बैली ऑफ द मसल्स, जहां पे मसल मास यानी मोर मसल साइज, जहां पे मसल साइज आपको ज्यादा नजर आएगा. देन देयर इज इंसर्शन. ओरिजिन के बाद थर्ड वन पार्ट, दैट इज इंसर्शन. इंसर्शन जो है ये मूवेबल बोन्स के साथ होते हैं. ठीक है, यानी कनेक्शन ऑफ मसल विद मूवेबल बोन्स. सो ये मसल्स के अगर हम कह लें कि उसकी अटैचमेंट या उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से तीन पार्ट्स हो जाएंगे. फर्स्ट वन इज ओरिजिन, जब मसल जहां पे मसल जो है फिक्स बोन के साथ अटैच होगा. देन बैली, जो कि मेन मास होगा, या कह लें कि जहां पे मसल का साइज ज्यादा होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा. देन लास्ट वन इज इंसर्शन. इंसर्शन से क्या मुराद है, कि जहाँ पे मसल जो सा है वो मूवेबल बोन, यानी जो हरकत में होगी बोन, जिसको वो कह लें कि हरकत देगा, उसके साथ अटैच होता है. सो ये थ्री बेसिक पार्ट हो गए. ठीक है, और ये आते कौन से कैटेगरीज में है, सारे कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है, ये मसल्स हो गए, बोन्स हो गए. ठीक है, इवन ब्लड जो सा है, ये सारे किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स के अंदर. ठीक है, सो टेंडन्स. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, कि जो ओरिजिन है और जो इंसर्शन है, ठीक है, ये दोनों टेंडन्स हैं. ठीक है, दोनों टेंडन्स हैं. टेंडन्स का क्या काम होता है, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी आपको दिखाएगा. टेंडन्स का क्या काम होता है, कि टेंडन्स जो है ये मसल को, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, मसल यहाँ पे, दे ज्वाइन मसल्स विद बोन्स. ठीक है, कि टेंडन्स मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपकी लोअर लिम्ब, यानी टांग की एग्जाम्पल है. सही, ये इसका ओरिजिन है, यानी ये इमूवेबल होती है इसके रिगार्डिंग, जबकि नीचे जो है ये मूवेबल बोन है, ये इसकी इंसर्शन है. ठीक है, बीच में ये टेंडन है. ठीक है, टेंडन, ये भी टेंडन है व्हाइट कलर का, और ये भी टेंडन, ये बीच में बैली है. ठीक है, सो इस तरह आप मसल्स के पार्ट कर सकते हैं. और फिर एक चीज है मेरे, यानी कि टेंडन्स क्या होते हैं, दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं. ठीक है, यानी दे ज्वाइन मसल्स विद बोन्स. इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की, यानी एक तो एग्जांपल पढ़ ली हमने टेंडन. ठीक है, एक सेकेंड वन टाइप होते हैं जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं. ठीक है, लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बट दे यूजुअली ज्वाइन बोन्स विद बोन्स. ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एक बोन ये है, एंड सेकेंड वन बोन इस तरह करके बनी हुई है. सो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये भी फाइबर्स ही होते हैं, जिस तरह मसल फाइबर्स होते हैं, इस तरह कुछ कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं. ठीक है, यानी जिन कनेक्टिव टिश्यूज के साथ बोन्स और बोन्स आपस में मीटअप हुई हुई हैं, वो लेगामेंट्स कहलाएंगे. ठीक है, दीज आर लेगामेंट्स. सो इस तरह कनेक्टिव टिश्यूज की कह लें कि दो टाइप्स हमने स्टडी की, टेंडन्स जो कि मसल्स को बोन के साथ जोड़ रहे हैं, एंड लिगामेंट्स जो कि बोन्स को आपस में, यानी बोन्स को बोन से अटैच करवाते हैं या जोड़ते हैं. सो ये तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हो गए. उसके बाद देखते हैं मूवमेंट इन बोन्स, कि बोन्स मूव किस तरह करती हैं. ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल हम बाइसेप और ट्राइसेप से ही लेंगे. मूवमेंट मूवमेंट ऑफ बोन्स, कि बेसिकली ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं. ठीक है, अब मसल्स में भी आपको चीज, एक कैटेगरी है स्केलेटल मसल्स, यानी जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं,
ये बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारी हड्डियों के साथ, और उनका काम क्या होता है कि हमारे ढांचे को या हमारी हड्डियों को हरकत में लाना, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल क्या है, बाइसेप और ट्राइसेप। सो अगर बाइसेप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइक एक कंडीशन के अंदर, ठीक है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स। सो अगर हम देखें तो हमारा जो आर्म बाजू है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। और अगर बाइसेप रिलैक्स करता है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो बाजू नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है जो कि आप जिस गौर करें अगर हम इसके मूवमेंट में, सो ये है कि एक ही वक्त के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। सो अगर पहले वाला रिलैक्स करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ये एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मूवमेंट, यानी एक दूसरे के कह लें कि जो अपोजिट, अपोजिट से क्या मतजाद हरकत करते हैं, ठीक है। कि अगर एक बाजू को ऊपर की तरफ लेके आ रहा है, दूसरा बाजू को नीचे की तरफ लेके आएगा। सो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये इस तरह अटैच होते हैं हड्डियों के साथ, कहने की बात ये है कि स्केलेटल मसल्स हड्डियों के साथ इस तरह जुड़े होते हैं कि अगर एक उसको यानी एक साइड पे लेके जाएगा तो दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे से मूवमेंट कराएगा, ठीक है। सो इस तरह की जो मूवमेंट, इस तरह की जो हरकत होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होती है, मुखालिफ हरकत को हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो स्केलेटल मसल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। ठीक है, कि स्केलेटल मसल्स इस तरह हड्डियों से जुड़े होते हैं कि वो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हड्डियों को या हड्डी को जिसके साथ वो जुड़े होते हैं उसको मूव करवाएंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मसल्स यानी ज्यादातर मसल, मसल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे बॉडी में है वो 650 टोटल मसल्स हैं और तकरीबन पेयर की शक्ल में होते हैं। दिस मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, जोड़ा होता है, जिस तरह बाइसेप ट्राइसेप का जोड़ा है कि अगर बाइसेप बाजू को ऊपर की तरफ उठा रहा है तो जो ट्राइसेप है बाजू को वापस नीचे की तरफ लाएगा, ठीक है। सो ये एक लीवर्ड मूवमेंट होती है, जिस तरह लीवर होता है, ठीक है, उसके जरिए यानी लीवर को अगर एक चीज खींचती है तो दूसरा उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए यानी दूसरी साइड पे मसल्स मौजूद होगा, तो ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहलाती है। सो इसकी एग्जांपल में क्या है, बाइसेप और ट्राइसेप। अच्छा, अगर हम बुक में देखें तो बाइसेप्स को इन्होंने ब्रैकियो रेडियलिस का नाम दिया है, ठीक है। इस मसल का क्या नाम है, ब्रैकियो रेडियलिस, ठीक है। रेडियलिस से क्यों, क्योंकि ये रेडियस के अंदर इंसर्ट हो रही है, ठीक है, इट इज इंसर्टेड इन द रेडियस। और ये जो नीचे है सिंपल ब्रैकियस है या ब्रैकियलिस जिसे हम कहेंगे, जो कि अल्ना के अंदर इंसर्टेड है, ठीक है, यानी ये रेडियस है, सो ये ब्रैकियो रेडियलिस कहलाएगा, जबकि दिस वन इज अल्ना, और ये मसल जो सा है वो ब्रैकियलिस कहलाएगा। सो इसे कंफ्यूज नहीं होना, सो ये अकॉर्डिंग टू देयर अनाटमी, ठीक है, LIS, ब्रैकियलिस, ब्रैकियो रेडियलिस एंड ब्रैकियलिस। ब्रैकियो रेडियलिस जो के रेडियस के अंदर आके इंसर्ट हो रहा है, जबकि ब्रैकियलिस क्या है, जो के अल्ना के अंदर आकर इंसर्ट होगा। और ये दोनों जो से बाइसेप और ट्राइसेप एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहले वाला रिलैक्स करेगा। सो ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट फॉलो करते हैं, और तकरीबन जितने भी पेयर्स हैं बोन्स के अगेंस्ट जो मसल्स के बने हुए हैं वो सारों की मूवमेंट इसी तरह एंटागोनिस्टिक होती है, सही। सो ये हो गया मूवमेंट। अब हम थोड़ा सा यानी ये यहाँ तक हमारे जैसे जो लोकोमोशन इन ह्यूमन बींग्स था वो सारा कवर हो गया, ठीक है। इसमें हमने शुरू में बोन्स पढ़ी, कार्टिलेज पढ़े, फिर उसके बाद हमने अपना स्केलेटन का स्टडी किया, फिर मसल्स पे चले गए, मसल्स का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, फिर मसल्स किस तरह मूव होते हैं, ठीक है, उसमें सारे हमने पॉइंट स्टडी किए, स्लाइडिंग फिलामेंट देखा, फिर उसके प्रॉब्लम्स, और फिर हम आगे ये मसल्स मूवमेंट की तरफ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टोटल जो सा मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स था वो कंट्रोल कवर हो गया। अब हम थोड़ा सा लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स देखते हैं, ठीक है। लाइक लोकोमोशन यूग्लीना की सबसे पहले बात करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, ठीक है जी, यूग्लीना। यूग्लीना का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा से क्या मुराद के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दे आर प्रोटिस्ट। इसके अंदर आपको तमाम फंडामेंटल जितने भी कह लें कि
सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगे, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स वगैरह, और सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ इसकी मूवमेंट के लिए हमारे पास फ्लैजिलम मौजूद होता है, फ्लैजिलम फॉर मूवमेंट, यानी ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। फ्लैजिलम क्या है इसका? लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक। और ये फ्लैजिलम इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये किसने हेल्प करता है इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम यूग्लिना की मूवमेंट के बारे में स्टडी करें तो हमें तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो इसकी जो सी मूवमेंट है ना, इसे हम यूग्लिनाइड मूवमेंट, ठीक है, सॉरी, यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। सो यूग्लिनाइड मूवमेंट जो कि यूग्लिना के अंदर पाई जाती है, इसके अंदर तीन मेजर चीजें हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैजिलर वाइप लाइक मूवमेंट, ठीक है, कि वो मूवमेंट जो कि फ्लैजिलम की वजह से होगी, कि जिस तरह कह लें कि उससे मैं नाम भूल रहा हूँ, हंटर होता है जिस तरह, ठीक है, कि पहले हंटर इस तरह टेढ़ा होता है तो इसे आप बिल्कुल सीधा करके झटके से, ठीक है, यानी इसकी इसको बिल्कुल सीधा करके मारते हैं, ठीक है, जिस तरह हंटर होता है। सो वाइप लाइक मूवमेंट कहलाता है। फिर सेकेंड वन जो सा है इसके अंदर, सॉरी थर्ड लिख गया मैं, सेकेंड वन के इसकी अपनी एक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, कि मसलन ये यूग्लिना है नॉर्मल, सो यूग्लिना अपनी शेप चेंज करता है, लाइक इसका पहले जो बैक साइड है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, नहीं कह लें कि अपनी डायमीटर इंक्रीज करेगा, फिर इसका मिडल साइड डायमीटर इंक्रीज करेगा लाइक दिस, फिर इसका यानी झटके से ये सारा मूवमेंट कह लें कि एक पुश जनरेट करने के लिए होता है, कि जो लास्ट में ये होगा कि इसका जो सबसे फर्स्ट वाला साइड है वो कह लें कि डायमीटर इंक्रीज करेगा अपना, ठीक है, वहां पे मास एक्युमुलेट हो जाएगा। सो ये यूग्लिनाइड मूवमेंट। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा स्पिन भी होती है, कि इसका जो सेल है इट कैन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, वो भी इसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है, सही। सो दोबारा रिवाइज करते हैं, लाइक फ्लैजिलर मूवमेंट मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, कि ये विप लाइक मूवमेंट है, लाइक कि ये एक फ्लैजिला है इसका, सो फ्लैजिला इसने ये 1 2 3 4 5 6, सो 6 के अंदर जाके फ्लैजिला बिल्कुल एक्सटेंड हो जाता है, इस तरह एक इसके अंदर थ्रस्ट जनरेट होता है, या कह लें कि एक मोमेंटम इसके अंदर जनरेट होगा, सही, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड पुश होगा। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया कि जो यूग्लिना ये अपनी शेप चेंज करता है, ठीक है, कि पहले बैक साइड से ये मोटा होता है कह लें, फिर मिडल से, फिर लास्ट में यही जो सही नहीं, ये जो वेव जनरेट हो रही है बॉडी के अंदर, ये वेव जो है वो लास्ट में सबसे इंटीरियर पोर्शन जहाँ पे फ्लैजल होता है, जिस तरफ इसने मूव करना होता है उस तरह जाके ये एक मोमेंटम ये भी जनरेट करती है, सही। इसके अलावा इसके अपने एक्सिस के अराउंड लाइक दिस जो स्पिनिंग होती है वो भी फेयरवेल कह लें कि मोड़ने के लिए, ठीक है, कि जब जहां पे टर्न करना होगा यूग्लिना ने उसके अंदर हेल्प करेगा, सही। सो ये सारे कलेक्टिवली यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक जो इसका हेल्पिंग ऑर्गन कह लो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे तो सही वाजे नजर नहीं आ रहा लाइक, मगर मैं यहाँ पे यूग्लिना बनाता हूँ लाइक दिस, सो लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके अंदर वाटर स्टोर किया होता है इसने, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर इसने पानी जनरेट किया होता है। सो बाज का ये अपना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से भी वाटर को जब रिलीज करता है उसके जरिए भी इसे पुश मिलता है, एक किस्म का मोमेंटम इसको रिसीव होता है, ठीक है, और इस तरह ये एक कह लेंगे मजीद एसेसरी ऑर्गन है जो कि इसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। सो अगर हम रिवाइज करें कि यूग्लिना जो कि प्रोटिस्ट है जिसके अंदर फ्लैजिलम मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो इसकी जो फ्लिप लाइक या विप लाइक जो सी मूवमेंट होती है
वो इसको मेनली मोमेंटम प्रोवाइड करती है, सही। और फिर इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग मूवमेंट है जिसके वजह से ये अपना कह लें कि मास जो है, मास सेलुलर मास या सेलुलर कंटेंट जो है, इसकी वैल्यू कभी अपने एक्सटीरियर पोर्शन में बढ़ाता है, मिडिल पोर्शन में, देन इंटीरियर पोर्शन, तो इस तरह भी इसको पुश मिलता है। इसके अलावा स्पिन होता है इसकी बॉडी के अंदर। सो फिर हमने कहा विप लाइक मूवमेंट जो है फ्लैजलम की, उसको हमें जरा डिटेल स्टडी किया कि क्या होता है कि ये लाइक फ्लैजलम है, सो इसको ये एक्सटेंड करवाएगा लाइक दिस, एक्सटेंड करवाते हुए एक मोमेंटम जनरेट होगा जो कि इसे आगे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब ये आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा अपने फ्लैजलम को यानी टुवर्ड्स फॉरवर्ड, तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जब इसे ये वापस लेके आता है यानी इट टेक्स द कहने के कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे कि ये वापस अपनी इनिशियल पोजिशन लेके आएगा, तो इस दौरान ये वापस पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसकी मूवमेंट थोड़ी सी कंट्रोल इस तरह की जाती है कि जब ये आगे की तरफ फ्लैश करे तो मोमेंटम जनरेट हो, जब ये वापस पीछे की तरफ आए सो इसमें रेजिस्टेंस कम की जाती है ताकि जो युगलीना है वो वापस पीछे की तरफ ना जाए। सो ये थोड़ी टैक्टिक्स हैं जिसके जरिए से ये मूव करता है। सो रिवाइज कर रहे थे बकाया हम अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट को भी, कि हमने कहा जी के हर बोन के साथ मसल्स अटैच होंगे और अटैचमेंट के लिए उनको टेंडन्स रिक्वायर्ड होगा। टेंडन्स दो टाइप्स के हमने कर दिए, एक ओरिजिन है एक इंसर्शन। ओरिजिन वो पार्ट या मसल का वो टेंडन जहाँ पे वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा फिक्स बोन के साथ, ठीक है, जबकि इंसर्शन मूवेबल बोन्स के साथ था। एग्जाम्पल्स में हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए, और फिर लिगामेंट्स देखे हमने, लिगामेंट्स जो कि बोन्स टू बोन्स ज्वाइन करे थे, ठीक है, जबकि टेंडन जो है वो मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं। फिर स्केलेटन मसल्स की जो मूवमेंट थी वो हमने कहा जी कि एंटागोनिस्टिक होती है, कि दे यूजुअली पेयर्ड अप और यानी एक दूसरे के जोड़े के हिसाब से होते हैं एक बोन के साथ। एक अगर मूवमेंट को यानी किसी चीज को एक्सटेंड करवाता है, दूसरा उसको रिलैक्स करवाएगा, ठीक है, कि लाइक अगर बाइसेप बाजू को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है, सही, सो दूसरा उसको वापस रिलैक्स करेगा। सो इस तरह एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट यानी मुखालिफ सिम्प के अंदर एक दूसरे के मूवमेंट, तो इस तरह ये पेयर अप हुए होते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हमने इतना ही पढ़ना था, अगले लेक्चर के अंदर हम मूवमेंट इन पैरामीशियम और अमोइबा के बारे में बात करेंगे।